अनुभव मोहंती श्री अनुभव मोहंती लास्ट स्पीकर थी थैंक यू सो मच सर सर आई स्टैंड टू सपोर्ट द बिल एट फर्स्ट बट उसके साथ सर और भी कुछ कहना चाहूँगा जो चीज़ फैमिली कोर्ट्स को लेकर मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि सर जिस विषय पर माननीय सदस्य मेहताब जी ने भी कहा है और नवनीत राणा जी ने भी कहा है सर फैमिली कोर्ट्स के मैटर्स जितने भी पेंडिंग आज की तारीख पर हैं पूरे हिंदुस्तान में कई लाखों मैटर्स सर पेंडिंग है ये हमारा लॉ कहता है कि एक स्टिपुलेटेड टाइम में ये ख़त्म होना ज़रूरी होता है हर इंसान का जो कपल होते हैं वो भले ही हस्बैंड हो या वाइफ हो दोनों अगर साथ में रहना चाहते हैं तो साथ में रहें कॉन्सिलेशन उनका हो लेकिन एक सही तरीके से हो कॉन्सिलेशन के हर एक चीज़ों को रिकॉर्ड में भी लिया जाए जिसको मैं जितना जानता हूं सर कॉन्सिलेशन भले ही कुछ महीनों तक चल रहा है या कुछ कुछ कॉन्सिलेशन स्टिपुलेटेड टाइम में चलने के बावजूद भी 6-7 महीने के लिए भी प्रोलोंग किया जाता है और उसमें जो जो चीज़ें होती हैं जो बातें होती हैं जिस तरह का डिस्कशंस होता है उसको कभी कंसिडर किया नहीं जाता है फॉर द केस मैटर सर वो उसके बाद ट्रायल के लिए जाता है ट्रायल में सर कई टाइम जो लंबी समय सीमा होती है सर उससे किसी को कुछ फायदा नहीं होता है सर व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन माय लाइफ अबाउट एवरीवन्स मैरिटल डिस्कॉर्ड सर दोनों में असल में सर किसी की जीत अंत में नहीं होती है ना पति जीतता है ना पत्नी जीतती है सर दोनों की हार ही होती है दोनों की हार ही होती है लेकिन सिर्फ इसी हार को लेकर कई सालों तक अपनी जिंदगी सामने वाले की जिंदगी और उन दोनों के साथ जुड़े हुए परिवार के जितने सदस्य या दोनों से जुड़े हुए जितने लोग आम इंसान उन सबकी जिंदगी भी प्रभावित होती है सर और फिर आज की तारीख में जो समस्या है जो पूरे हिंदुस्तान की समस्या है वो ये है और जॉइंट फैमिली का मीनिंग ये है अगर एक पति अपने पत्नी के साथ या एक पत्नी अपने पति के साथ एक साथ रह जाए तो उसे कहलाया जाता है जॉइंट फैमिली सर ये बड़ी दुख की बात है सर ये बड़े दुख की बात है जो हमको सोचना चाहिए कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल का मना रहे हैं हमारे देश में लेकिन देश आगे जिस तरह से बढ़ रहा है जिस तेजी से प्रगति कर रहा है कुछ चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें सर और विशेषकर मैं ना तो पुरुषों के खिलाफ बोलूंगा ना महिलाओं के खिलाफ बोलूंगा सर मैं दोनों के सपक्ष में बोलूंगा और दोनों के लिए बोलूंगा कि दोनों को हक है समान अधिकार है इज्जत से जीने का दोनों का समान अधिकार है अपने मान मर्यादा से जीने का और ऐसे चीज़ों में ऐसे वक्त में जब मैरिटल डिस्कॉर्ड्स चलती हैं कहीं पर भी इनमें बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है मीडिया ट्रायल्स का भी अगर किसी रिश्ते का कहीं भी थोड़ा सा भी सर चांस भी होता होगा ना कि जुड़ जाए या कुछ रीयूनियन हो जाए या कुछ सही हो जाए हमारा लॉबी वही चाहता है कि जब कॉन्सिलेशन हम करते हैं कॉन्सिलेशन जब हम लाते हैं तो यही सोच कर लाते हैं कि हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए दोनों की सोच में दोनों इकट्ठे फिर से हो जाए क्योंकि दो जिंदगियां सर जुड़ती हैं बड़ी मुश्किल से बहुत प्यार से एंड वी आर द रिजल्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लव सो इसको जब कॉन्सिलेशन में हम लाते हैं चांसेस भी हो तो मीडिया ट्रायल का जो बुरी तरह से शिकार होते हैं खाली विक्टिम्स वो कपल से नहीं होते उनके परिवार होते हैं और पूरे फैमिली के से कनेक्टेड रिलेटिव्स फ्रेंड्स हर कोई होता है इस पर एक रोक लगानी बहुत जरूरत है आवश्यकता है मैं माननीय मंत्री जी को बोलना चाहूंगा मेनी थिंग्स कनेक्टेड टू अदर मिनिस्ट्रीज आर ऑल्सो इंटर रिलेटेड एंड कनेक्टेड टू दिस मैटर माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा सर प्लीज किरण रिजिजू जी दिस फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल इज अनडाउटेडली गुड बट कुछ और चीजें भी हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं जैसे मैंने मीडिया ट्रायल्स की बात कहा है प्लीज लुक इन टू दीज मैटर्स ऑल्सो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है एंड सर वंस अगेन आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट एट द एंड बिफोर क्लोजिंग बच्चों के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री किया जाए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनरेबल मिनिस्टर इज अनेबल टू डू दैट नो शी इज एफिशियंट एनफ एंड डूइंग इट वेरी डायनेमिकली बट अगर एक स्पेशल डिपार्टमेंट बने या मिनिस्ट्री बने तो हो सकता है कि उनकी सोच पर उनके दिमाग को किस तरह से हम विकसित करें बच्चों के लिए जो हमारे भविष्य हैं देश का हमारे दुनिया का उनके लिए कैसे अच्छे से काम करें इस पर और गौर दे सकेंगे थैंक यू सो मच सर जय हिंद वंदे मातरम सर एमती नुआ नुआ वीडियो देखिवा पई हमर चैनल को एबे सब्सक्राइब करिनियंतु तबे रहउछु जय जगन्नाथ।